हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट 7 का जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो नहीं किया था वो हम लोग को देखना था। असाइनमेंट 7 बेसिकली इन्वेंट्री क्रिएशन है, इन्वेंट्री डिवोटेड ये असाइनमेंट है। इसमें इन्वेंट्री क्रिएशन हम लोग ने स्टडी किया था। हम लोग ने यहाँ पे लेजर सिंगल और मल्टीपल दोनों क्रिएट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये स्टॉक क्रिएट किया था। स्टॉक में सबसे पहले हमने गोडाउंस बनाया था, ग्रुप्स, कैटेगरी, देन यूनिट ऑफ मेजर्स, देन स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया था। फाइनली हम लोग का स्टॉक मिल गया था। यहाँ तक हम लोग का पहले से इससे पहले वाली पार्ट में, पहले वाली वीडियो में कंप्लीटेड है। सो यहाँ पे टैली पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट हम लोग का इक्वल था। ओके, स्टॉक भी यहाँ पे 90,000 का स्टॉक चढ़ गया था। तो स्टॉक समरी यहाँ डिटेल्स दे रखी है ना। सो वापस आते हैं हम लोग, बैलेंस शीट इक्वल हो चुका है। अब हम लोग को कुछ एंट्रीज करने हैं। अब देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 को कह रहा पेड आउटस्टैंडिंग रेंट थ्रू द चेक 2525-01 ऑफ एक्सिस बैंक। तो हम लोग एक्सिस बैंक के चेक से पेमेंट कर रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग रेंट अगर आप देख रहे होगे तो था यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 5,000 रुपये, जो हम अपने एक्सिस बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको एंट्री कैसे करेंगे ये आज हम लोग को देखना है। जैसे तो पेमेंट है तो पहले तो वाउचर्स में जाना पड़ेगा। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ देखिए कोई पेमेंट का है, ऑलरेडी F5 पे है हम लोग पेमेंट में। सबसे पहले तो डेट देखिए क्या है, 1 अप्रैल, तो F2 दबाइए, 1 अप्रैल कर दीजिए। एंट्री क्या करनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमें देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट, और यहाँ देखिए कितना है, 5,000 बैलेंस यहाँ दिखता है। ओके, आउटस्टैंडिंग जैसे चुका है सब जीरो हो गया। और किसके थ्रू में देना है, एक्सिस बैंक के थ्रू। अब यहाँ दे रहा है कि चेक से पेमेंट है, जी हाँ चेक से पेमेंट है। अकाउंट पे ही चेक है, जी हाँ अकाउंट पे ही चेक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर मांग रहा है, तो दिस वन इज 252501। ओके, किसके नाम पे चेक काटे हैं, मान लीजिए हमारे जो मकान मालिक का नाम है राजकुमार यादव। ओके, रिमार्क कुछ नहीं लिखना है, नरेशन जरूर लिख दीजिए, बीइंग रेंट पेड, दैट्स इट। ये एंट्री हमारी कंप्लीट है। तो हमने पेमेंट में एंट्री डाल ली, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग डेबिट टू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से पैसा जा रहा है। अब देखिए अगला क्या है, एडजस्ट एडवांस टेलीफोन बिल। अब यहीं पे आपको समझना है जर्नल को लेकर के, जो हम कोई एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो अब ये जर्नल वाउचर आ जाएगा। तो जर्नल वाउचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट्स में देख लेंगे, व्हाट इज जर्नल वाउचर। तो अगर जर्नल वाउचर को अगर आपको समझना है, तो यहाँ पे देखिए जर्नल वाउचर को एक्सप्लेन किया होगा। नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ सीधे एंट्रीज बता दी गई, एंट्रीज क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें जनरल वाउचर की, जनरल वाउचर बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग सारे के सारे यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड में, नहीं कहीं नहीं दिया है, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल में कौन सी एंट्री होती है, जैसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे। कोई भी ऐसी एंट्री जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, यानी जो परचेज नहीं है, पेमेंट नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। साल के अंत में एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंट्री हो गई, है ना, ड्यू की एंट्रीज हो गई, ये सब एंट्री हम लोग जनरल में करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो है F7। ओके, F7 में हम लोग एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, क्या रखा है कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एडजस्ट एडवांस टेलीफोन बिल। तो एडवांस टेलीफोन बिल देखिए था, अगर आप बैलेंस शीट में ऊपर जाएंगे, एडवांस एसेट साइड में दिखना चाहिए, प्रीपेड टेलीफोन बिल था, इसको एडजस्ट करेंगे, खर्चे में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक लेजर बनाने पड़ेगा एक्सपेंसेस का, टेलीफोन एक्सपेंस। तो टेलीफोन एक्सपेंस अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट करा लीजिए। और यहाँ पे कितना था, 5,000 आई थिंक था, और टू प्रीपेड, प्रीपेड टेलीफोन। अब देखिए क्रेडिट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया, ये प्रीपेड खत्म, जीरो हो गया, और ये किस में चढ़ा गया, खर्चे में चला गया, बीइंग प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस एडजस्टेड। डेट देख लीजिएगा, डेट सही होना चाहिए, 1 अप्रैल को ही एंट्री करनी थी, 1 अप्रैल को ही एंट्री हो रही है, 1 अप्रैल को, नाउ एक्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी,
2 अप्रैल की, कह रहा रीपेड लोन ऑफ अंकल 50,000 बाई चेक, तो अंकल का चेक दे रहे, तो पेमेंट कर रहे हैं, यानी F5 में जाएंगे, ठीक है, F2 दबाएंगे, 2-4 को एंट्री करनी है, लोन फ्रॉम अंकल था, इसको डेबिट करेंगे, 5 लाख लोन ले रखे, लेकिन अभी से 50,000 रुपये दे रहे हैं, अभी 4.5 लाख रुपये पेंडिंग रह जाएगा, किससे दे रहे हैं, एक्सिस बैंक के चेक से दे रहे हैं, तो एक्सिस बैंक से पैसा जा रहा है, चेक से दे रहे हैं, जी है, अकाउंट पे ही चेक है, चेक नंबर क्या है, 252502, अंकल का नाम क्या है, मान लो विजय गॉड सपोज, है ना, बीइंग लोन रीपेड, रीपेड मतलब वापस करना, तो ये 2 अप्रैल को हमने पेमेंट की एंट्री कर ली। फिर नीचे ही कह रहा रीपेड लोन ऑफ HDFC बैंक भी 1 लाख रुपीज बाई चेक, तो सेम उसी तरह से एंट्री होगा, लेकिन 1 मई है, तो यहाँ डेट सही कर लीजिएगा, F2 दबा के 1 मई, और यहाँ पे इस बार लोन जो चेक जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो HDFC का 5 लाख का लोन है, लेकिन अभी चुका कितना रहे, या ध्यान से देखिए, 1 लाख रुपये चुका रहे, 1 लाख अगर चुका देंगे तो अब लोन कितना रह जाएगा, 4 लाख, दिख रहा है, किससे दे रहे हैं, एक्सिस बैंक से, कैसा चेक काट रहे हैं, अकाउंट पे ही चेक काट रहे हैं, 252503, 1 मई को HDFC किसके नाम पे चेक काट रहे हैं, HDFC बैंक के नाम पे चेक काट रहे हैं हम लोग, वही सेम लिखना है, कंट्रोल आर कर लीजिए, बीइंग लोन रिपेड, ठीक है, कंट्रोल आर से क्या होता है, रिपीट नरेशन। अगला जो देखिए क्या है, 2 मई को कह रहा है क्या, पेड रेंट बाई कैश, कैश हम लोग रेंट दे रहे हैं 2 मई को 10,000 रुपये, तो F2 करके डेट सही करिए, 2 मई, और रेंट का लेजर, रेंट का लेजर नहीं बनाए, LC करके रेंट का लेजर बनाइए, रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना दे रहे हैं, 10,000, किसके थ्रू, एक्सिस बैंक के थ्रू, कैश है, सॉरी, तो यह कैश हो जाएगा, तो कैश हमारा 10,000 गया, बीइंग रेंट पेड, ठीक है, तो रेंट हमने पेड कर दिया 2 मई को, तो रेंट पेड करने के बाद फिर कह रहे टेलीफोन बिल भी दे दो 5,000 रुपये, तो टेलीफोन एक्सपेंस देके बना होगा, कितना दे रहे हैं, 5,000 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंस दे रहे, कैसे दे रहे, कैश दे रहे हैं कि चेक से दे रहे हैं, टेलीफोन कितना है, 5,000 रुपये, हाँ ठीक है, और ये दे रहे हैं हम लोग पेड लिखा है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश मानेंगे, देखें यहाँ कहीं नहीं लिखा है किससे पेमेंट की है, तो और कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कैश मानेंगे, लेकिन अगर ये 10,000 रुपये से ऊपर अमाउंट होता तो हम लोग बैंक लिखते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट हमेशा चेक से करते, ठीक है, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड, ये हो गया आपका 2 मई की एंट्री। 1 जून को कह रहा है रीपेड ओडी ऑफ यूनियन बैंक 1 लाख रुपीज बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक, 1 जून को पेमेंट हो रहा है, तो F2 करके 1 जून पहले करिए, पेमेंट में ही जाएंगे, और इस बार ओडी जमा कर रहे हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग, सॉरी, ओडी मतलब ओवर ड्राफ्ट होता है, ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, तो ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, अब जैसे तो बैंक टू बैंक ही हुआ ये, तो F4 करेंगे हम लोग, और यहाँ देखिए आ गया ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, कितना है मेरे ऊपर लोन, देखिए रेड में का मतलब है क्या, निगेटिव बैलेंस नहीं, लोन है हमारा, कितना हम पे कर रहे हैं, ओडी 1 लाख रुपीज पे कर रहे हैं, 1 लाख हमने पे कर दिया, अकाउंट पे ही चेक, इंस्ट्रूमेंट नंबर 252504, किस नाम पे, यूनियन बैंक, ओके, सॉरी क्रेडिट मैंने कर दिया, क्रेडिट नहीं होना था, डेबिट करना था, घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हो, ओडी तो
यहाँ कुछ नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पे ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक थे, अब कितना रह गया 1 लाख रुपीज बीइंग ओडी रिपेड। अगला क्या है, रिसीव ऑल ड्यूज फ्रॉम अभिजीत एंड कंपनी बाई चेक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड डिपॉजिटेड इनटू यूनियन बैंक। तो चेक मिल रहा है, F6 में एंट्री होगी, रिसिप्ट में एंट्री होगी, ठीक है ना। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अभिजीत, उससे पहले F2 करके डेट सही कर लीजिए। डेट क्या है, 2 जून, सही है। अभिजीत एंड कंपनी का 55,000 रुपये है, और यहाँ कहा भी है ऑल ड्यूज रिसीव कर लिया हम लोगों ने, यानी पूरा 55,000 रुपये आ रहा होगा। अगेंस्ट फ्रेंड्स, दोनों बिल का अगेंस्ट ले लेंगे। फाइनली अभिजीत का बैलेंस 0 हो गया, और पैसा किस में आ रहा है, हमारे यूनियन बैंक में। इंस्ट्रूमेंट नंबर देखिए, जो चेक नंबर है वो क्या है, 1234 जो भी है, किस बैंक का चेक है स्पेसिफाई करिए। उसने चेक हमें काट के दिया है किसका, आईसीआईसीआई बैंक का। बस किससे मिला है, आसिफ अभिजीत एंड कंपनी से। बीइंग अमाउंट रिसीव या ड्यू रिसीव, तो 2 जून को हमने ये रिसीव की एंट्री कर ली। अगला है 1 जुलाई को, रिसीव ऑल ड्यूज फ्रॉम चंदन बाई चेक ऑफ HDFC बैंक और डिपॉजिटेड सॉरी एक्सिस बैंक में। तो 1 जुलाई को हमें मिल रहा है, F6 करना है 1 जुलाई को, और रिसिप्ट की एंट्री है, ध्यान रहे 1 जुलाई को रिसिप्ट कर रहे हैं। HDFC बैंक का चेक मिल रहा है, चंदन से मिल रहा है, ठीक है। ऑल ड्यूज मतलब पूरा 35,000 रुपये, जितना आपको बैलेंस सामने दिख रहा है पूरा उतार लीजिए। दोनों बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ रहा है, और इस बार पैसा आ रहा है एक्सिस बैंक में। चेक नंबर नोट कर लीजिए, चेक नंबर ये किस बैंक का है, HDFC बैंक का है, स्पेसिफाई कर दीजिए। चंदन से मिला, कंट्रोल आर बीइंग अमाउंट रिसीव, दैट्स इट। तो उन्होंने 1 जुलाई को एंट्री कर दी। अब कह रहा है 2 जुलाई को, कह रहा 50% बिल ऑफ प्रिंसी प्राइवेट लिमिटेड बाई चेक, तो हमने पेड करना है अब 50% अमाउंट प्रिंसी को ऑन 2 जुलाई, पेमेंट करना है F5। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसी प्राइवेट लिमिटेड का बैलेंस दिख रहा है 1,50,000, इसका आधा देना है। वैसे तो सीधे 75,000 होगा, बट कभी कैलकुलेशन अगर टिपिकल होगा तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे अल्ट सी नहीं दबाना, ये जो अमाउंट वाले के नीचे आना यहाँ अल्ट सी दबाना, तो कैलकुलेटर खुलेगा, ठीक है। अच्छा मैं दोनों बता दे रहा, कैलकुलेटर कंट्रोल एन से भी खुलता है, कंट्रोल एन से भी कैलकुलेटर खुलता है, कंट्रोल एन से भी कैलकुलेटर खुल रहा है अब। लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे 1,50,000 का मल्टीप्लाई बाई 50% इंटर करेंगे, तो रिजल्ट यही रह जाएगा। लेकिन मैं बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पे अल्ट सी अगर दबा के 1,50,000 का अगर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50% अगर मैं करूँगा, इंटर मारूंगा, तो अमाउंट सीधे अमाउंट में फीड हो गया। यहाँ देखो सीधे यहाँ पे आ गया अमाउंट। तो अल्ट सी में और कंट्रोल एन में यही फर्क होता है। अगेंस्ट रेफरेंस, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक से ना, तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, अच्छा सॉरी यूनियन बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यूनियन, ठीक है। अकाउंट पे ही चेक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर डालिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर ये है, मतलब चेक नंबर, बीइंग पेमेंट मेड, हमने पेमेंट कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑन 1 अगस्त
पेमेंट किया हम लोगों ने किस डेट में, पेजअप करके एक बार देख लीजिए, 2 जुलाई, सही है। अगला क्या है, रिसीव 60% ड्यू फ्रॉम द अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड कमिंग इन कैश, तो 1 अगस्त को जरा देखिए हो रहा है, F2, 1 अगस्त रिसीव कर रहे हैं किससे, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो F6 पहले रिसीव की एंट्री करिए, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड कितना है, 30,000, 60% इसका लेना है, अल्ट सी दबाइए, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, अमाउंट आ गया 18,000 अगेंस्ट द बिल, इस बिल के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट ले रहे हैं। अब डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश ले रहे हैं ना, कैश आ रहा है पैसा, बीइंग पेमेंट रिसीव, हो गया कंप्लीट एंट्री। अगला क्या है, 2 अगस्त को परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, 1,50,000 इन कैश, तो परचेज की एंट्री है। तो परचेज की एंट्री देखिए, यहाँ पे परचेज वाउचर होता है F9, यहाँ पे एंट्री हम लोग करते क्या, गुड्स परचेज करने की, गुड्स एज वेल एज एसेट्स परचेज की एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस एसेट्स के लिए हमको क्या करना होगा, चेंज मोड पे जाना होगा, अकाउंटिंग इनवॉइस करना होगा, ये वाले मोड में एंट्री। बोलता है बिल नंबर क्या है, बिल नंबर मान लेते हैं, कुछ दिया नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं हम लोग, देखिए कंप्यूटर हमारे लिए एसेट है, गुड्स नहीं है, ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं ना, बेचने के लिए नहीं खरीदे, बेचने के लिए जब कुछ खरीदते हैं तो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं, तो ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं 2 अगस्त को, 2 अगस्त किस पार्टी से खरीद रहे हैं, पार्टी नेम नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैश पकड़ा देंगे। ये सब कुछ मत भरिएगा, आगे बढ़िए, पार्टिकुलर क्या है, क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं ना, कंप्यूटर, सॉरी, चलिए कंप्यूटर का नाम ही लिख देते हैं, कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। कितने का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, 15,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, दैट्स इट। लास्ट एंट्री अब आ गए हम लोग, 1 सितंबर को सेल गोल्ड बॉन्ड, 40,000 रुपये रिसीव, अमाउंट डायरेक्टली इन एक्सिस बैंक। तो गोल्ड बॉन्ड देखो था कितने का, 50,000 का गोल्ड बॉन्ड हम बेच रहे हैं 40,000 में, तो नुकसान हो रहा है ना 10,000 का, तो हम लोग सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, F6 रिसिप्ट में एंट्री होगी, जा रहा है गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड हमारा 50,000 का था, पूरा 50,000 गया, ये गोल्ड बॉन्ड तो गया 50,000 का, जीरो हो गया। डेबिट में आया कितना कैश, ठीक है, एक्सिस बैंक में पैसा है, एक्सिस बैंक में, लेकिन पैसा आ कितना रहा है, 40,000 ही आ रहा है, कुछ नहीं है, तो या चेक से नहीं आ रहा है, मान लेते ऑनलाइन ट्रांसफर आ रहा है, ई फंड ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट नंबर वंबर कुछ नहीं है, बैंकों में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड, लॉस कितने का हो रहा है, 10,000 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हम अपनी एसेट बेच रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा गया 50,000 का, कैश पैसा आया कितना, 40,000 का, 10,000 रुपये नुकसान हुआ, फाइनली डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों को एंट्री यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ये एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर ली 15 तक, हाँ, बाकी हम बैलेंस शीट हम देख सकते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस शीट का टोटल आफ्टर दीज पेमेंट्स कितना आ रहा है, आफ्टर दीज पेमेंट्स बैलेंस शीट का टोटल 20,30,000 आएगा, ठीक है। और पीएल में अगर आप देख रहे होगे ना, तो पीएल में देखिए नेट लॉस कितने का आ रहा है, 30,000 का,
ठीक है, फाइनली घर घूम फिर के सब खर्चे हुए हैं, कुछ अभी इनकम हुई नहीं है। दूसरा नंबर देखो क्या करने के लिए कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने चेक करके दिखाई दी आपको, नेट लॉस आएगा 30,000 का। स्टॉक समरी कह रहा है देखने के लिए, स्टॉक समरी एज इट इज आएगा, स्टॉक में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे एल्ट F1 करने से ना डिटेल दिख जाती है यहीं पे। तो स्टॉक टोटल 90,000 का है। फिर कह रहा गोडाउन चेक कर लो, गोडाउन वाइज समरी कैसे चेक करते हैं, तो डिस्प्ले में चाहिए। अगर हमें गोडाउन वाइज समरी देखनी है तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ देखिए होता है क्या, सॉरी इन्वेंट्री बुक्स यहाँ होता है गोडाउन। अब यहाँ बख्शीपुर गोडाउन में देखना है तो क्या क्या स्टॉक है, दिखा रहा है कि ये सारे स्टॉक आपके गोडाउन में रख, किस गोडाउन में, बख्शीपुर में, और गोलघर गोडाउन में, ये सारे स्टॉक गोलघर गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इजीली रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री बुक्स है। ठीक है, डे बुक्स जाके देख सकते हैं आप लोग, डे बुक्स में जितनी भी एंट्री की है वो सब दिखेंगे। यहाँ सिर्फ दो ही एंट्री देख रहा है क्योंकि 2 अगस्त की एंट्री है, LTF2 करिए। लास्ट वाली एंट्री जो हम लोग ने किया ना इन्वेस्टमेंट होल्ड की, 2 अगस्त में कर दिया। ये एंट्री कब की थी, ये एंट्री थी 1 सितंबर को करनी थी, तो F2 करके डेट सही करते हैं। फर्स्ट 9 यहाँ पे बिट कर दीजिएगा सही, 19 एक्सेप्ट, तो अमेंडमेंट भी हो गया। ये सारी एंट्री हमने कर रखी है। डे बुक्स की प्रिंट कैसे निकालते हैं, एल्ट के साथ F1, अल्ट के साथ P, प्रिंट रिव्यू देख लीजिए, Alt Z। तो ये देखो एंट्री पूरा रिकॉर्डेड है। ठीक है, अब अगर इसमें नरेशन भी आपको चाहिए तो यहाँ पे जब हम लोग Alt P मारते हैं, फिर से देखो मैं Alt P कर रहा हूँ करंट, तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन होती है F12। F12 दबाई, यहाँ शो नरेशन है, इसको हम यस कर देंगे इंटर करके, और फिर स्केप करिए और फिर प्रीव्यू देखिए। अब देखिए Alt Z से सबके नीचे सबका नरेशन भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। कोई कहे आपसे बैलेंस शीट का प्रिंट करने के लिए, तो आप बैलेंस शीट पे जाइए, Alt F1 करिए, Alt के साथ P करिए, करंट रिव्यू देखिए, Alt Z से देखिए जूम, ये बैलेंस शीट का प्रिंट आउट है। अब इसमें आप चाहते हो करेंसी सिंबल ऐड करना चीज़ों को, और परसेंटेज और परसेंटेज करना, तो ये सब भी कर सकते हो। जैसे ही Alt P दबाओगे करंट, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, यहाँ पहले ही ऑप्शन होता है 100%, एंटर करके यस कर लीजिए। और भी कुछ अगर चाहते हो ठीक है, तो यहाँ पे से यस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो फिलहाल कंपनी एड्रेस चाहते हो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेगा बाहर कर लीजिए, बाहर प्रिंट प्रीव्यू देखिए। अब देखिए परसेंटेज शो कर रहा होगा सबके बगल में कि टोटल लाइबिलिटी का 24% आपकी कैपिटल है, 53% आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। एसेट में देखोगे टोटल जो 100% एसेट है उसमें 64% तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है। 100% जो एसेट है उसमें तुम्हारा 33.33% करेंट एसेट की वैल्यू है। तो इस तरह से भी दिखाता है आपको, रिपोर्ट जैसे देखना है वैसे देख सकते हो, प्रिंट आउट में अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो। सेम इस तरह से PL में भी आप खुद चेक कर लीजिएगा बैलेंस शीट में। तो इवन दो आप देखो लाइबिलिटी इधर दिख रही है, एसेट इधर दिख रही है ना, यू कैन चेंज, आप पहले एसेट और फिर लाइबिलिटी बाद में कर सकते हो। Alt P करो, करेंट करो और F12 दबाओ। यहाँ देखो नीचे आपको ऑप्शन होता है मेथड शोइंग लाइबिलिटी, अब देखो एसेट इधर दिखेगा, लाइबिलिटी इधर, रिव्यू देखिए, तो पहले एसेट आ गया फिर लाइबिलिटी। हालांकि ऐसा होता नहीं, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड में एसेट दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंट्रीज करना। मुझे पता है सेकेंड पार्ट थोड़ा लेट मैंने डाला है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स थे इसलिए वीडियो नहीं बन रहा था। अब जो है ना कंटिन्यूस वीडियोस बनेंगे। और हाँ ध्यान रहे, अगला असाइनमेंट हम लोग का 8 असाइनमेंट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम लोग किस पे समझने वाले, न्यू बिजनेस अकाउंटिंग, यानी कोई जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्रीज कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्रीज कैसे डालते हैं, न्यू बिजनेस अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे कल।
ओके सो मेरे ख्याल से आज का वीडियो जो है सेकेंड पार्ट, हम लोग ने ये सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा। सो फिलहाल टुडेज क्लास इज ओवर। हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।